नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिएटिनिन के बारे में कि ये क्रिएटिनिन चीज़ क्या है जो बढ़ जाती है किडनी पेशेंट में और अक्सर पेशेंट को लगता है कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है किडनी ख़राब हो रही है तो उसको हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि उसके क्या मायने होते हैं उसका क्या मतलब होता है तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रिएटिनिन को समझने से कि क्रिएटन क्या सिर्फ किडनी की बॉडी में बन रहा है क्या वो मेरी बॉडी में नहीं बन रहा तो पहला आंसर है कि वो सबकी बॉडी में ऑलमोस्ट सेम मात्रा में बनता है कहा बनता है हमारी मसल्स में बनता है क्यों बनता है क्योंकि वो मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है जो कि प्रोटीन बेस्ड होता है नॉर्मल तरीके से वो किडनी के रस्ते बाहर चला जाता है बट जब हमारी किडनी कम काम करना शुरू करती है तो दिक्कत क्या होती है कि वो बन तो उसी मात्रा में रहा है बट वो जा नहीं पा रहा बाहर क्योंकि किडनी ने अपनी फंक्शनिंग को डाउन किया है अब वो बाहर निकल नहीं पाया

आगे फॉरवर्ड करते हो उनको निकालते हो रोज आपका ये रहता है तो शाम तक होते होते आपके टेबल पे जीरो फाइल्स होती हैं। अब मान लो कि आप बीमार हो या फिर आप ऑफिस में कम टाइम दे रहे हो तो क्या होता है फाइलें तो दस आई पास मैंने पांच करी तो पाँच मेरी टेबल पे खड़ी रह गई इसी तरह से बॉडी के अंदर किडनी का काम है किटनिन को पास करना अगर किटनिन पास नहीं हो रहा तो कौन काम नहीं कर रहा किडनी तो हमने क्या किया हमने उसे आइडिया लगाया कि किडनी फंक, की फंक्शनिंग कितनी अच्छी और कितनी बुरी चल रही है तो क्रिएटिनिन खुद में कोई डेंजरस चीज नहीं होती है बट वो हमें बता रही होती है किडनी की फंक्शनिंग के बारे में क्रिएटिनिन हर किसी की बॉडी में ऑलमोस्ट सेम मात्रा में बनता है अब अक्सर पेशेंट को क्या लगता है कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है मेरी किडनी किटनिन के बढ़ने से खराब हो रही है नहीं क्रिएटिनिन के बढ़ने से किडनी खराब नहीं होती किडनी के खराब होने से क्रिएटिनिन बढ़ता है तो इसको अपने कंसेप्ट को अपने माइंड में क्लियर करो अब सवाल ये उठता है कि अगर किडनी खराब हो रही है, बढ़ रहा है तो कंट्रोल करूं? करूं या किडनी पे काम करूं तो आपको समझना है एक्स्ट्रा नहीं बन रहा तो मुझे जो काम करना है जो मुझे ठीक करना है वो है किडनी क्योंकि किडनी कम काम कर रही थी 80 परसेंट केसेस के अंदर आपको दो कारण मिलेंगे या तो हाई बीपी या फिर हाई शुगर हो सकता है कि बीपी शुगर आज की रेट में आपका ठीक हो पहले बड़ा था तीन साल पहले चार साल पहले शुगर पहुंच गई थी चार सौ पाँच सौ और बीपी शुगर दो ऐसी बीमारी है जिनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारी मेडिसिन है एलोपैथी में है आयुर्वेदिक में होम्योपैथी में है, बहुत सारी मेडिसिन है अगर उन मेडिसिन को सही तरीके से आपको सूट कर जाती हैं तो लेवल्स बीपी के शुगर की बहुत ईजिली तरीके से कंट्रोल में आ जाते हैं आपको थोड़ा बहुत डाइट में चेंज करना पड़ सकता है नमक को कम करना पड़ सकता है शुगर को कम करना पड़ सकता है बट वो आ जाते हैं शुगर में तो और आसान होता है कि इंसुलिन की हेल्प से बड़े आराम से आ जाते हैं बीपी के अंदर मेडिसिन बहुत सारे है। तो आप जब भी अपनी किडनी के बारे में सोचना शुरू करो किडनी को कम करना शुरू करो तो सबसे पहले शुरुआत बीपी और शुगर से करो जिससे किडनी को आप देख लो। मेरा नाम है डॉक्टर और आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप डायलिसिस से बच सकते हैं आज हमारे साथ हमारे पेशेंट है जिनका नाम है अमरजीत यादव अमरजीत यादव रिवाड़ी में रहते हैं और पिछले चार महीने से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है बट क्या लेवल था क्या हो गया उसको बाद में बताऊंगा पहले समझाऊंगा कि इनकी किडनी के साथ एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ था कि हमारे लेवल्स नाइन तक पहुंच गए थे जहां पर डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया था ठीक है तो सबसे पहले जब भी हमारे पास आए थे तब डेट थी ग्यारह सेप्टेम्बर दो बीपी था वन एट्टी बाय बीपी बहुत ज्यादा हाई था जब बीपी हमारा बहुत ज्यादा हाई होता है तो ब्लड किडनी के अंदर बहुत स्पीड से एंटर करता है और जो किडनी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई होती है जो नाफ्रोंस तक ब्लड लेके जा रही होती होती है है वो हमारे बाल की मोटाई से भी पतली आप बीपी जब बढ़ रहा है तो सबसे बड़ा नुकसान कहाँ होगा किडनी के अंदर वो जो ब्लड सप्लाई है जो नेफ्रोन तक जा रही है वो खराब होनी शुरू होती है जैसे ही उस पर प्रेशर बढ़ता है और वो सख्त होनी शुरू हो जाती है सख्त होने का मतलब ये है

तो किडनी खराब हो रही थी वो हमने हटा दिया जब नया नुकसान होना बंद होगा तो ही रिकवरी स्टार्ट होगी इसी वजह से में आपका लेवल था नाइन और आप कितना बताओ अब मेरा चार पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव अब आप सोच रहे हो कि नौ से चार नॉर्मल क्यों नहीं हुआ आपने अभी हाँ, से पूछा था हाँ, नहीं सवाल लेकिन नीचे कम जा रहा है इसमें कम गया मैंने फोर पॉइंट सेवन फोर पॉइंट फाइव आया किडनी जो अंदर से मर गई है वो जिंदा किसी कीमत में नहीं होने वाली जो किडनी का हिस्सा बीमार था या फिर जो मरने वाला था हम उसको बचा सकते हैं बीमार हिस्से को ठीक कर सकते हैं बट मरे को जिंदा नहीं कर सकते इसी वजह से लेवल हमारा नौ दस के आसपास से चार साढ़े चार तक नीचे आया है और ये अब धीरे धीरे ही नीचे जाएगा और एक पॉइंट पर आकर रुक भी जाएगा हो सकता है की लेवल चार का हो सकता है लेवल तीन का हो वो मे आगे पता लगेगा फिर हमने उस लेवल को बनाए रखना है तो जितने पेशेंट है किडनी के उनको क्या बोलना चाहोगे यहाँ से ट्रीटमेंट ले अपना आ, कैसा लगा मतलब अब तक क्या लगा मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ अच्छा जब बीमार थे सितंबर में तो क्या कंडीशन थी आपकी मेरे को उठा भी नहीं जाता था बिल्कुल चक्कर आते थे काम ही नहीं होता था सांस उखड़ता था सांस उखड़ता था भूख लगती थी बिल्कुल नहीं लगती थी और थकावट थकावट बहुत ज्यादा थी ठीक है और अब कैसे बिल्कुल ठीक तो आपने खुद देखा कि लेवल्स डाउन होते हैं लेवल डाउन होता है आर बढ़ता है मगर कब जब हम किडनी पे काम करते हैं अगर आप पे काम करते हो आपको ये रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे अब क्रिएटन पे भी काम होता है अब आपके माइंड में होता होगा कि कैसे होता है तो आपको समझने की जरूरत है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो क्रटनिन की फैक्ट्री है जितनी बड़ी फैक्ट्री उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा अगर हम किसी भी तरीके से इन मांसपेशियों को इन मसल्स को हम कम कर दें तो क्या होगा किटनिन की प्रोडक्शन में क्या होगा फर्क कि वो कम होनी शुरू हो जाएगी और इस वजह से लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं अक्सर क्या किया जाता है पेशेंट क्या करता है वो अपना खाना पीना बंद कर देता है खाने में खा रहा है घिया तोरी टिंडा उबाल उबाल के खा रहा होता है जब पेशेंट घिया तोरी टिंडा उबाल उबाल के खाता है तो बॉडी में ना एक दिक्कत आनी शुरू होती है कि बॉडी में कुछ जा नहीं रहता पेशेंट कुछ दिन तो खा लेगा बट उसके बाद वो उबला हुआ खाना खा नहीं पाता जहाँ वो रोटी खाता था चार अब रह गई वो आधी रोटी एक रोटी तो बॉडी ना वीक होनी शुरू हो जाती है मसल मास कम होना शुरू हो जाता है किडनी लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है बट दिक्कत क्या है बॉडी में ना वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है प्रोटीन की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है बॉडी में हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है अब वो जो स्वेलिंग है वो लंग्स को खराब करना शुगर देती है यानी किटनी तो डाउन हुआ बट वीकनेस बढ़ गई कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई और ऐसे पेशेंट जब बहुत लंबा टाइम इसको गलती से फॉलो कर लेते हैं उनके अंदर में एक दिक्कत और देखने को मिलती है कि पेशेंट का डायलिसिस करवाने का जो मौका था वो भी खत्म हो जाता है क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक हो गई है अब बहुत वीक बॉडी के अंदर डायलिसिस कैसे करें क्योंकि उसमें तो पता है कि डायलिसिस में वीकनेस आनी है तो वो ऑप्शन भी उसका चला जाता है तो आप समझो कि अगर आपने खाना नहीं खाया आपकी किडनी को खाना नहीं मिला है अगर किडनी को खाना नहीं मिला है तो किडनी काम कैसे करेगी अपना काम कैसे बढ़ाएगी हमने तो काम बढ़ाना है किडनी काम बढ़ाना है तो जब भी पेशेंट अपने खाने पीने को कट डाउन करके किडनी को डाउन करता है तो वो टेम्परेरी होता है लेवल डाउन होता है दो तीन महीने के लिए डाउन होता है उसके बाद वो बढ़ना शुरू होता है अब पेशेंट को कोई भी बचा नहीं सकता कोई डायलिसिस नहीं बचा सकता कोई उसका ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन खत्म हो जाता है क्योंकि बॉडी में सिवियर वीकनेस है पेशेंट के लिए बेड से उठ के वॉशरूम तक जाना मुश्किल हो जाता है इतनी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है तो किसी भी कीमत पे अपना खाना खाना बंद मत करना खाना खाना जरूरी है किडनी से काम लेने के लिए अगर आप खाना खाना बंद कर दोगे किडनी अपना काम करना बंद कर देगी लेवल्स देगीवेंगे तो वापस से बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो ये गलतियां आपने बिल्कुल भी नहीं करनी होती बॉडी में हमें खाना लेके जाना है इतना खाना लेके जाना है कि बॉडी के जो डेली बेसिस की जो फंक्शंस हैं वो सारे प्रॉपर तरीके से रन होते रहें अब सवाल ये उठता है कि क्या खाना खाने से किडनी खराब होती है या नहीं क्योंकि अक्सर आप इसी वजह से खाना बंद कर रहे होते हो राइट तो खाना खाने से किडनी खराब कभी भी नहीं होती चाहे आप नॉनवेज वेज क्यों ना खा लो अगर हम नॉनवेज भी खा रहे हैं अगर हम दालें भी खा रहे हैं हम सब कुछ भी खा कुछ भी खा रहे हैं वो किडनी तक कभी भी डायरेक्ट नहीं पहुंचता आप अपने खाने की खाने की जब हम खाना खाते हैं माउथ से खाया हमारे स्टमक में गया स्टमक से हमारी इंटरसाइंस में गया पहले स्मॉल इंटरसाइन में गया फिर लार्ज इंटरसाइंस में गया और इस प्रोसेस के अंदर उसमें जो पोषक तत्व थे वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाते हैं आपने शुगर खाई थी वो आ गई आपने नमक खाया वो आ गया उसमें विटामिन से मिनरल से उसमें फैट था कार्बोहाइड्रेट था प्रोटीन था जो भी चीज़ था वहाँ से खींचा ब्लड में डाल दिया गया अब ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है अगर आपके खाने के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा है या फिर आपके खाने के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा है तो बीपी और शुगर पड़ेंगे अब इन बीपी और शुगर की वजह से किडनी खराब होगी खाने ने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। खाने ने वो पोषक तत्व निकाले थे हम हमारी आंतों ने निकाले थे और ब्लड में डाले थे वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया बॉडी को ताकत दी उसने अब उसमें अगर नमक और चीनी की मात्रा ज़्यादा है तो उससे होने वाली बीमारी से किडनी खराब हुई है खाने से ख़राब नहीं हुई है तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से क्रिएटन क्या है कहाँ बनता है क्यों बनता है कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है क्यों हम हमेशा जोर देते हैं कि किडनी की, की फंक्शनिंग बढ़ाओ किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाओ खाना अच्छे से खाओ उसको आप समझ गए होंगे फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है कुछ भी पूछना चाहते हैं डॉक्टर्स अवेलेबल है मैं भी साथ में हूं आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं और माइंड में कोई भी डाउट हो ना कुछ भी पूछना चाहते हो कोई टॉपिक ऐसा हो जो आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊंग अगर मैंने पहले नहीं बनाया तो मैं इसमें मैं ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और मैं इसको जरूर इस पर काम करेंगे और इसी के साथ आप सभी इसमें चले के आगे चाहूँगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार